Krishna,
شہنشاہ کی آج آرتی بڑے پریم اور شردہ سے اتارے time.
भवन सुखिन सभी संतु निहत्या सभी भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग बने हरिओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेव ओम सनौ आवतु सनौ भूनातु से वीर्यं करवा ते जपिनौ अधीतमस्तु मा विद्विषाः हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की हजूर के अपने पारदार कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण किया रहे हैं अपने ही कल्याणार्थ ये आत्म संयम योग नामी छठा अध्याय। जिनके अवस्था जरा इस मार्ग में कुछ अच्छी है उनके लिए तो ये अध्याय बहुत ही कमाल का वरदान रूप में है, और जिनकी अच्छी अवस्था नहीं है उनके लिए सुनने में बहुत अच्छा रहेगा, मजेदार रहेगा उनके लिए। तो लीजिएगा अब एकाग्रता पूर्वक बातें छोड़िए बच्चे, बुन्ना भी छोड़िए, बातें भी छोड़िए, इधर उधर जरा आंखों से भी बातें मत कीजिए। 24 घंटे में एक बार आपको टाइम मिलता है और पूरा लाभ उठाइएगा, पूरा लाभ मेरे बेटे। नो विस्परिंग, आप तो सब ठीक है, आने का लाभ उठा लो मेरी बच्चियों। लो मैं शुरू कर रहा हूँ। तो भगवान जी की अपरपार दया के पसे हम लोगों ने इस पर विचार विमर्श किया, हजूर ने बताया, और क्या जहाँ हो हकीकत से इंसान दूर रहे आत्मा में क्या मुँह सरूर। अभ्यास करते 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 इस तरह आत्मा में तलीन हो गया जैसे कि वर्मा कमानी से मोट मोट लकड़ी के अंदर कमानी घुमाते 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 हाँ वो वर्मा गहरा उतर जाता है और आर पार हो जाता है। विचार कैसी देने की कोशिश कर रहा हूँ, वर्मा कमानी और मोटी सी लकड़ी के आर पार छेद करना होता है, तो आपने कई बार देखा होगा वर्मा को घुमाता जाता है कारपेंटर, और कमानी जो है और वर्मा बीच में जा रहा है धीरे धीरे करते 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 आर पार हो गया हो गया। इसी प्रकार अभ्यास करते 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 धीरे करते 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 वो अपने पर्दों को फाड़ता हुआ भगवान की जात में तल्लीन हो जाता, उसमें एक मिनट हो जाता है। तो महाराज जी ने ये अवस्था बताई, मैं इसलिए कहा था जिनकी तो अवस्था अच्छी है वो तो बहुत लाभ उठाएंगे, और जिनकी नहीं वो जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि कैसे जात में बच्चे कैसे जात में तलीन होना होता है। ध्यान सुनो बच्चे, आपके बड़े काम आएगा कभी कभी ये प्रसंग, आपने लगे रहना और अपना कल्याण तो करना ही है, तो ये प्रसंग आपके अच्छे काम आएगा। लीजिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे भगवान ने कहा था जहां उसको मिलने थे आए यकीन इंपॉर्टेंस, अनुभव के पश्चात जीव खुद अनुभव करेगा कि भगवान से बढ़कर दुनिया में कोई भी दौलत नहीं है। आप कहेंगे कैसे कैसे, मैं बताऊंगा ऐसे ऐसे कैसे। जब भी हमें ज्यादा खुशी मिलती है हम समझते हैं ये चीज मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि दुनिया के पदार्थ अपने में इतने रहते नहीं है लॉ ऑफ सैचुरेशन के अनुसार, तो उनकी वैल्यू घट जाती है, फिर हम और को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। देखो भगवान दी बेस्ट है, सुप्रीम है और फाइनल है, उनको से तो चीज घटनी नहीं है, वो तो बढ़ते जा रहा है मेरे सजनों मेरी बच्चियों। इसलिए उनको प्राप्त करने के बाद खुशी और भी और भी और भी, ये तुलसी वो नहीं जिसे ये जो मजा वो नहीं जिसे तुलसी उतार दे, ये तो वो खुशी नहीं है जिसे संसार की कोई गमी या कोई गड़बड़ उतार के रखते, ये तो उत्तर उत्तर यानी डी बाय डे और रस बढ़ता है और रस बढ़ता और रस बढ़ता है। भगवान बड़ा बताया गया दौलत कोई प्रभु से बढ़ के नहीं, दौलत दौलत के लिए थोड़ी प्यारी है, औरत औरत के थोड़ी प्यारी है, पति पति हम इनको दौलत मानती है, दौलत को भी वार देती है पत्नी के नाम पर पति के नाम पर इज्जत के नाम पर दौलत को वारा जाता है, या अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के नाम पर दौलत को पानी की तरह बहाया जाता है, पानी की तरह। लड़ा MLA बनना हो MP बनना हो तो आप बेहतर जानते हैं शहर में रहती है कैसे रुपए की धज्जियां उड़ाई जाती है, कैसे कमाल किया जाता है। आहा जबकि मैंने सुना तो मुझे मेरे मुंह से ये बिना
प्रसार की एक शब्द निकल गया थे, चांद छिपका जा रहा है बादलों की ओट में, इंसान की इंसानियत छिपकी या यारों नोट में। कैसे इंसान अपनी इंसानियत को छुपा देता है और रुपए बांधता तो रुपया रुपए के लिए प्यारा नहीं, अपनी खुशी के लिए, और जहां थोक के बाद खुशी मिल जाओ तो रुपया तो शर्मिंदा हो गए। दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं, जहां उसमें जमकर वो आ जाए सुख, इतना जीव को सुख मिल जाता कि संसार के दुख काबू से तस्क नहीं कर सकते। पूर्ण इच्छा ये है हर एक जीव का चरम लक्ष्य या परम लक्ष्य, देर सवेर आकर इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही होगा। आज का नास्तक कभी न कभी जलील होकर अवश्य में ये उद्देश्य बनाएगा, जीवन का टारगेट, जीवन का डेस्टिनेशन देर या सवेर ये बन के रहेगा। मेरे बुजुर्गो विचारशील भाइयों बताओ, और मेरी नेक विचारशीला धार्मिक बेटियों, जब तक जीव को फुल सक्सेस नहीं मिलती तब तक भला अंदर वाला चैन रहने देगा? कदापि नहीं। हमें चैन लेने देगा? कदापि कदापि नहीं। ये याद रखिएगा, जब तक मन को पूर्ण तृप्ति ना मिली, मन ने चैन पा रहे नहीं, मन कुछ से कुछ करवाता रहेगा, कुछ से कुछ करवाएगा, अब हमसे कुछ जुटाएगा। जब मन को पूर्ण शांति मिलती है, बस नो मोर एक्टिविटी, नो मोर वॉन्डरिंग, नो मोर लैटरिंग, नो मोर वॉकिंग हियर एंड देयर, टुडे हियर टुमारो देयर, नो मोर, मन अपने आप में जम गया, शांत हो गया, आनंदित हो गया, और जीवन जीव का सफल हो गया। बहुत कमाल के मेरे हजूर अनवर, आपने श्रीमुख से बता और समझा रहे गए। इस अवस्था में आपके जीव आपने क्लाइमेक्स को पहुंच गया, या मैं कहूंगा इंसान का विकास, बुद्धि का विकास चोटी पर आ गया। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन स्टॉप, खत्म। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो हमारे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बनाने वाले ने शरीर के तक की कहा है कि इतना अंग मिल गया, इतना कोई थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन स्टॉप करती है। हिंदू धर्म कहता है जहां तुम कहते हो स्टॉप करती है, वहां शुरुआत होती है। ये तो शरीर की एवोल्यूशन होगी, व्हाट अबाउट माइंड एंड इंटेलेक्ट? वो धर्म के द्वारा जीव की एवोल्यूशन या विकास और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है, जीव और आगे तरक्की करता है और आगे निकलता है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन अधूरी है जिन्होंने सिर्फ शरीर तक ही रखा है। गुगू ने ढूंढने कोशिश की, विकासवाद को इसने निकाला तो सही, लेकिन अधूरे रहा, क्योंकि उसका बेस ओनली फिजिकल बॉडी, और मैंने नॉट फिजिकल बॉडी, मैंने माइंड इंटेलेक्ट एज वेल। हम देखते भी हैं कि अगर हमारा माइंड अपसेट हो तो हमें बड़ी बढ़िया सेहत और बड़ा अच्छे खूबसूरती भी हमें भाती नहीं है। चांद की किरणें भी हमें खाने को पड़ती है जब माइंड हमारा अपसेट होता है, या हमारा संतुलन खोए होती है, या किसी प्रकार के दुख में तकलीफ में कलेश में हमारा मन भटका हुआ होता, तो बाहर की कही जाने वाली बढ़िया चीज भी हमें सुखाती नहीं। तो धर्म के अपनाने के बाद मन और बुद्धि का विकास होता, और विकास होता होता कहां जाता है? मेरे भगवान कहते हैं जब आत्मा में परमात्मा में तलीन हो जाता, जब हजूर में तलीन होता है। बहुत उत्तम शास्त्र है जी का, हम सबकी रहनुमाई जिंदगी है, हमारी गाइड है, फ्रेंड है, फ्लॉस्टर है। इस व्यक्ति पथ प्रदर्शी का भला कहां मिलती है? जी को भगवान की जात में तलीन करने के लिए ये एक लाजवाब तोहफा है, लाजवाब तोहफा, युक्त है भगवान की ओर से। अब मेरे भगवान कह रहे जहां गम में बाकी न कोई शोक है, जहां गम में बाकी ये क्या कर देता है गमों से बलन, ये शोक जबानी याद कीजिए, जहां गम में बाकी न कोई शोक है यही योग है। हाँ यही योग, योग के तरीके से भगवान ने तीन चार बार की है। कल तो कहा है जी के पिछादी नहारे का शोक, दिल के तवाजन का है नाम योग। कल का कई कहा अमल में हुनर हो तो कहलाए योग, और आज कह रही है जहां गम में बाकी न कोई शोक है यही योग कहेगा। यदि सिंह कीजिए तो शब्दों में फर्क है, वरना भावार्थ या लॉकिक अर्थ या एलिगोरिकल या इंडिकेटिव मीनिंग भी सेम। अमरा इंडिकेटिव मीनिंग भी सेम, वर्ड डिफरेंटली हो रहा है, लेकिन जो उसके अंडरलाइन आयोग है एक ही है। मेरे हजूर कह रहे हैं जहां गम में बाकी न कुछ हो गए, योग कमाने का मतलब हम तो योग कमाए आजकल की जरा यंग सी ही यंगस्टर बहुत भारी इतराज करते हैं जादू का योग कमाने की, तो गम तकलीफ चिंता फक्र कैसे दूर जाएंगी। ये आपके मन में बेचैनी बेकार आ रही है, हाँ हम बहुत नौकरी ले लो नौकरी, हम शादी कर लेंगे जहां चाहते कर लो शादी, इन्हें जीवन की लेलाई तो सबको अपनी इच्छा पूरी करने के बाद भी मन खोया खोया है, मन में चैनी मन में करार नहीं है। मेरी बेटिया जैसी मनमानी करके उस श्रृंखल बनना चाहती है, वह एक बार बन के देख ले, पर ये उस श्रृंखल था बड़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि मन में चैन नहीं होता, मन में करार नहीं आता,
वो कैसी होगा? मैं कुरान में कहता जा रहा हूँ, जब तक मेरे शरीर के अंदर एक भी सांस भगवान ने रखा है, मैं बताता चला जाऊंगा भगवान की वाणी को पूरा रूप सीरियसली और मोस्ट मोस्ट सीरियसली अपनाने के बाद जी के सब गम दूर हो जाते हैं, सबका मतलब शरीर मानसिक सामाजिक। इसलिए हम शांति पाठ के बाद तीन बार शांति बोलते हैं, ओम शांत शांत शांति। अगर शरीर हमारा ठीक हो और मन न ठीक हो तो भी शांति अधूरी, अगर मन और शरीर भी शांत हो तो अगर समाज ठीक नहीं है तो भी शांति अधूरी। ये तीनों को पैरल लाइन होना चाहिए, फिजिकली मेंटली एंड सोशली। इसलिए हिंदू धर्म कितनी दूर की मारता है, ओम शांति शांति। आए मेरे भगवान, आए मेरे परम पिता, हमें पूर्ण शांति दो। पूर्ण का मतलब शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक। जिस समाज में रहते हैं उसमें भी हलचल ना हो, जिस मन में रहते हैं उसमें बेचैनी ना हो, जिस शरीर में रहते हैं उसे नाना प्रकार के रोग ना भरा करे। तो भगवान हार जाते हैं, वाह 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 वाह, इसे कह रहे हैं परफेक्टली गाइड। बोलते हैं और यूर ओके, आई एम क्वाइट ओके। हालांकि ये कहना बड़ी भारी भूल है जनाब, ओके ना फिजिकल बॉडी में है ना मन में है। बोले बोले कहा मना पसंद है क्या, क्या सही आपको चैन पा रहा है? कदापि नहीं। बोले माते आए परफेक्ट लिवाई, हाँ परफेक्टली राइट। मैं राइट की स्पेलिंग बदल दूंगा बुटे, जब मैं आपको देखता हूँ तो आप कहते परफेक्टली राइट आ रही है, नो डब्ल्यू आ रही थी, परफेक्टली राइट। लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे अंदर कितना गम है, स्पेलिंग तो बदलिएगा ना, आ रही है की राइट। राइट तो तब होंगे जब आप योग कमाएंगे। हिंदू धर्म का ये इलाज है, हिंदू धर्म चैलेंज करता है कि तो योग के बिना अपने आपको परफेक्टली राइट नहीं कर सकता। हाँ ही अर्थ फ्लैट, वो अपने आपको लेवल दिखा ही पाएंगे, कभी भी अपने आप को पूर्ण शांति नहीं हो सकती। अजी भगवान कह रहे हैं योग कमाने के बाद जहाँ गम में बाकी न कोई शोक है, यही योग है। हाँ यही योग है भगवान जी, मुझे आपका दुनिया से हमने क्या लेना, दुनिया वालों ने हमसे क्या लेना और हमने उन सौरों से क्या लेना। हमारे लिए वो मोए, उनके लिए हम मोए, क्योंकि भगवान ने कहा उनको गड़बड़ में ना डालो, क्योंकि उनका अभी वक्त नहीं आया, वो मूर्ख है और अकेले खामकार, न दूधा में डाले उन्हें। भगवान की बात है, उनके आगे ना किया करो। ए नैना देवी, भगवान की बात है, उनके आगे ना किया करो। अंधे आगे रोना तो अपने नैन खोना, तुम मोती जगाना चाहती है, ए मोती जगाना चाहती है तो किनके अग्गे बगलों के आगे मोती रखे कर चुगो। कभी बगलों ने मोती सीखा या भी मोती सीखेंगे तो वो तो राजहंस होंगे, बगले सोरे तो मछली पे मारेंगे चोट, थन्नी का पता। ए लाडे बीमा, तू मजा गली मिलने वाले का तू आज मन लीजिए सुनाया गया, वो कहती कौआ खा के आइए फिर खाती रहती है मार, हमका जाने सुनाया गया तू अपना ले, आपकी पीठ के पीछे तो ताड़ियां मारती है, ये करती है, छुट छुट देती है, चंगा होया यहाँ से जल खेल खाती है हमारा। इसलिए भगवान रोकते हैं, उनको मत कहो, अभी उनका टाइम ही आया ये बातें सुनने का, अभी उनका सुकर यानी मन का मैयार अभी बहुत नीचे है, प्लीज इसको चर्चा का विषय न बनाओ। भगवान की बातों को बेअंतिया गांव में रहता है छोरिया, देख ले मेरी बात सुन ले, वरना देख ले तेरे सरसों का तेल लगा के तेरे जालों पे चपट दूंगा। हाँ ये बात की चर्चा ना करो, इन बातों की भगवान ने रोका है, इन बातों को उनके अंदर ना चलाओ जिनमें रजोगुण बढ़ा हुआ है, जिन्हें अभी कंसर कामी खींची का बोल बाला है। प्लीज ये राज उससे मत कहे जो आप जाहिद ना हो, ये राज उससे मत कहे जो आबिद ना हो, ना उससे जो हो बस जबान नुकता चीन, ना उससे जो सुनने का कहा नहीं। ये बातें उनको मत बतलाइएगा, चाहे आपकी अपने ही खून का रिश्ता श्रीमती भी क्यों ना हो। अभी उनका टाइम भी नहीं आया, अभी उनका समय नहीं आया। हमारे भटनागर जी गवाह है इस श्लोक का, बहुत उन्होंने अपने बेटों को ये बातें सुनाई, श्रीमती को बहुत बहुत सुनाई, पर मजा ले उन पर कोई असर हो, जरा पर भी असर नहीं होता। भटनागर जी बैठे मेरे पास, बेचारे ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी थी ये बातें, वो भी लाभ उठाए, लेकिन कहा वक्त भी तो आए ना, इंसान फिक्र बदलता नहीं। और भटनागर जी यहाँ जबर से काम चलता नहीं,
कोई कब तक जबर कर देगा, कब तक कोई जबर करेगा ना, इसलिए चुप खुद ही अपनाते जाओ, उनको डिस्टर्ब ना करे। और तुम दोनों बहने आती हो चुप पीती एक लड़की कंस पर थी, तुम अपने भाइयों को बताने कुछ करो कभी नहीं, पिताजी को बताने कुछ करो कभी नहीं, वो इस बारे में लगेंगे ना, तानू रोक देनी आप जानते नहीं है बात, तानू रोक देने आप जानते नहीं, एक सीधन के बाद फार्मूला है सानू रोके ना आप जाए ना, ठीक है इनके प्रकार नहीं है, इनका भी टाइम ही नहीं आया, तो भगवान विष्णु क्या कह रही है वह इनका टाइम आएगा, इसलिए आप चुप रहो, जहां हम है बाकी ना कोई योग है, यही योग है का? यही योग है, इसी योग में दिल जखनी से जमा मैं और आप, जिनको तजर्बा हो रहा है जो तजर्बे में जरा पेश पेश है, इसी योग में तुम अकीदत दिखाओ और इसी योग से इसी योग में दिल जखनी से जमाओ, इसी योग में तुम अकीदत दिखाओ। अब हम कब जुटेंगे, जब हमारी खुशी बढ़ेगी, गम हमारे कम होंगे, हमारी श्रद्धा और बढ़ेगी, हमारा यकीन और बढ़ेगा, हम और गहरे उतर जाएंगे, तो मान के तुम उतरो, उनको मत डिस्टर्ब करो, तुम लगे रहो, योग द्वारा ही संकट दूर होने हैं, बातों द्वारा नहीं उतर, सुक्का नाल वड़े कभी भी नहीं पकड़े, जब भी पकड़े हैं घी के अंदर ही पकड़े, तो वड़े पकाना चाहती हो ना, हाँ वो सुक्का नाल ही कभी हुए, कभी गल्ला नाल भी किसी को शेरी हुई, इसलिए चुप करके जितना भी हो सकता है जुटे रहिएगा, ये कभी ना भूलना, व्हाट इज योग, व्हाट इज टू डेफिनेशन ऑफ योग, जहां कम है बाकी ना कुछ योग है, यही योग है, हाँ यही योग। अगर आप संस्कृत में जानना चाहें तो दुख दुख संयोग वियोगा है, योगा दुख संयोग वियोगा, अगर आप याद कर ले, योगा दुख संयोग वियोगा, योग क्या है, दुखों के वियोग का नाम योग है, भगवान के शब्द दुखों के वियोग का नाम, ए पढ़ी लिखी ए प्रभाकर ए रत्नाकर, जरा देख लो क्या कह रहे भगवान जी, दुखों के वियोग का नाम योग, योगा दुख संयोग योगा, बहुत सारे शब्द है, थोड़ी सी हिंदी जानते हैं, योग होता है मिलाप, और इसका विपरीत अर्थ क्या होगा, वियोग, योग मेरा और आपका योग हो गया, बाद में हम बिछड़ जाएंगे तो वियोग हो गया, तो योग क्या करता है, दुख संयोग, जो दुखों का मिलाप हुआ था, दुख जो मिले थे वियोग, योग आया तो दुख के संयोग को भगा दिया, योगा दुख संयोग वियोगा, दिल की पट्टी पे लिखो, दिल की पट्टी पे लिख ले, योगा दुख संयोग वियोगा, जो दुखों का मिलाप हुआ था हमेशा के लिए वो चले गए, हमेशा के लिए वो भाग गए, योगा दुख संयोग वियोगा, सबसे लाइन है योगा दुख संयोग वियोगा, दुखों के संयोग का नाम, दुखों के वियोग का नाम योग है, जो हमारे हमारे असिस्टेंट से सारसी निश्चित थी नाउ डिपार्टेड फॉर एवर ड्यू टू योगा, दीज आर ऑल डिपार्टेड फॉर एवर, बहुत अच्छे, यही मेरे भगवान कह रहे हैं, जहां गम में बाकी न कोई शोग है, यही योग है, हाँ यही योग है, क्यों हम योग कमाते हैं, दुखों की जगह काटने के लिए, क्यों हम योग कमाते हैं, कलेशों को दूर भगाने के लिए, जो हम भगवान का नाम लेते हैं, सत्संग में आते हैं, या भगवान जी का प्रातः काल उठ करके जाप करती हैं, या हाजिर देती है, या एकाग्र होती है, क्यों, नाना प्रकार की मुसीबतों से हट जाने के लिए, नाना प्रकार के कष्टों से अपने आप को बचाने के लिए, दुख योगा दुख संयोग वियोगा, जो दुखों का संयोग हुआ है उसका वियोग करने के लिए हम अपनी ओर से जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, तो भगवान भी अपने श्रीमुख से कह रही है, भगवान जी अनुभव बता रही है कि जब जीव धीरे करके जुटता रहेगा, लगा रहेगा, तो क्या होगा, जहां गम है बाकी न कोई शोक है, यही योग है, हाँ यही योग है, इसी योग में दिल यकीन से जमाओ, इसी योग में तुम अकीदत दिखाओ, वेरी गुड, क्या कर रहे हैं मेरे भगवान जी, गजब धारे गए, और महाराज जी कह रहे हैं, अरा नहीं कह रहा, योगीश्वर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, योगीश्वर भगवान कृष्ण योगियों के भी ईश्वर कह रहे हैं, इसी योग के अंदर अपने आप को लगा डालो, इसी योग में थूथ रहा सही, मेरे ऐसा ज्यादा टाइम कर सकता है, आप जैसा थोड़ा थोड़ा, एंड यू बेटर नो व्हाट लिटिल बाय लिटिल मेक्स मी कर, कतरा कतरा से बाल्टी भर जाती है, थूथरा करते करते कितना कुछ बन जाता है, इससे थूथरा करते रहे, थूथरा करते रहे, हजूर ने अपने श्रीमुख से कहा है, अगर योग हो यू
मैं तो याद करवाता रहूंगा और आपकी श्रद्धा बढ़ाता रहूंगा। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। आजमा रहे हो, भगवान आपको आजमाने का और मौका दे। जुटी रहो मेरी मैया और मेरी अच्छी बेटी, इसमें अपने आप को लगाए रखो और लगाए रखो। हर काम दुनिया में लोग करके पछताते हैं, पर किसी ने योग कमा के भगवान का प्यारा बन के नहीं पछताया। ये पछताने वाली बात नहीं है, ये तो कल्याण वाली बात है, ये तो जीव के भलाई वाली बात है। जो जीव अपना भला कर जाता है, अपना कल्याण कर लेता है, तो आइएगा जितना हमारा वक्त चले, जितना हमारे से बन पड़े, हम अपने जुटा रखे और भगवान के इन बड़े उत्साह बढ़ाने वाले बहुत ही कमाल के शब्दों को दिल की पट्टी पे लिखे। जहाँ गम में बाकी न कोई शोक है, यही योग है। हाँ, यही योग है। भगवान योग की तरीके तो कैसे बताते आ रही है। सिलसिले में तो हमें बड़ा उत्साह बढ़ा दिया। क्या भगवान न जीते की शादी न हारे का शोक, मिला लो समझ रहा, न जीते दूसरा जाए, न जीते की शादी न हारे का शोक, के दिल के तवाजन का है नाम योग। और यहाँ कह रही है, जहाँ गम में बाकी न कोई शोक है, यही योग है। हाँ, यही योग। योगा दुख संयोग वियोगा, योगा दुख संयोग वियोगा। जैसे किसी चोटी के गुरु ने पूछा, ओए पुत्रा तेरा नाम क्या? योगा। योगा होता है फारसी से, का अंग्रेजी में योगा मतलब योगा। योगा होता है भाई, तो पूछे किस योगा? योगा होता है ना भाई, मैं भाई योगा के लिए, के लिए। और यस चलू राम जी, बस नाम लेना पड़ता है आपका, के लिए। अब ये कहा जाए के लिए, तो पंजाबी शब्द है योगा। ओ योगा, हाँ किस योगा? के महाराज हुन समझ आइए, मैं सोला ने तेरे योगा। और योगिया किस योगा? ओ महाराज तेरे योगा। फिर तो मौज बन गई, बहार बन गई। आहा आहा आहा, जरा कोई प्यार से आपको कह लिए, ए योगी किस योगी? मैं तो तेरे योगी। फिर देखिए जरा, आप इधर कह रही है मेरे गुरुदेव किस योगा? हजूर आपके योगा। अब योगा किस किस योगा? मैं जरा इसको यूं बताना चाहता हूँ, ओ योग तू किस योगा? मैं क्या क्या दुखों को भगाने योगा। योग की तरीफ है, योगा किस योगा? दुख भगाने योगा। योग जो होता है वो दुख भगा देता है। अगर कोई सच्चाई के साथ भगवान द्वारा बताए गए आला विधि को अपनाने तक दूर कर ले मौज बहार। जैसे हजूर ने कहा, सही किस मनमानी न करे, किसी अनाड़ी के कहने पर योग न कमाए। जैसे हजूर ने बताया, इस ढंग से कमाया जाए, कोई भी क्यों ना हो। भगवान ने तो यहां तक कहा है, मेरे तो आपका कल्याण ही कल्याण है। कोई आदमी घर की जरा देख लीजिए, श्लोक ऐसे गजब का है जो 18वें अध्याय के बीचों बीच आया पड़ा है। गीता को दो भागों में बांटता है, नाने घर कह बच्चे अखीर में आता। कोई आदमी घर के मधकार है, मगर मेरा दिल से सरफ्तार गए उसे भी समझने के साधु है वो। इरादा में नेकी के यत्तु है जो। फिर भगवान को नहीं कहना है, फिर कहना पड़ा आगे, वो धर्म आत्मा जल्द सकुओ करारो सकू दायम ही पाएगा। अच्छा बा, जय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अर्जुन चाहे को कितना भी पापी दुराचारी लंपट कमीना विलासी क्यों ना हो, जिसने पक्का इरादा किया है कि मैंने कर करके बहुत ही खराब हुआ, बर्बाद हुआ हूं, और अब मेरे तरफ आ रहा है वो महात्मा, कह जा रहे योग्य है। साधु ऐसा मंतव्य उसे साधु ही मान लेना चाहिए, क्योंकि उसने पक्का इरादा कर लिया। इरादे में कितनी ताकत है मेरी बेटी? आप तो वो ऐसी बात ही नहीं है, अगर ऐसे ऐसे कर जाते हैं तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो मौज बहार है, फिर तो बहुत ही मौज बहार है, फिर तो क्या कहना। अगर ऐसी बात है, एक बड़ा पापी दुराचारी और लंपट भी हर जाते हैं, फिर तो बड़ी कमाल हो गया, फिर तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आइएगा, तो भगवान भी ये कह रहे हैं, योग पे कमाने वाला हो बस, और बिना योग के कहे कि मैं हजारों रुपया कमा लूंगा मेरे दुख दूर हो जाएंगे, बेशक आजमा के देख ले, मैं बहुत पढ़ लूं और मेरे दुख दूर हो जाएंगे, नेवर कैन बी पॉसिबल। बेशक कोई कहे आजमा के देख ले, हमारे कहना ना माने, तो देख ले मैं जहां चाहती हूँ चाहता हूँ शादी कर लूं, मेरे दुख दूर हो जाएंगे, बेशक करके देख लो। हालांकि करते हम सब दुख दूर करने के लिए, हमने पढ़ाई की दुख दूर करने के लिए, हमने कमाई की अपने आप को मौज आनंदित या आनंद पाने के लिए,
ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں بیک گراؤنڈ میں ہماری فیلنگ یہی ہوتی ہے جیون کا چار دن آرام سے کاٹیں گے, لیکن ایسا ہوتا کیوں نہیں؟ سب کچھ تو آپ نے آزما کے دیکھ لیا, آپ نے پڑھائی بھی کر لی, کمائی بھی کر لی, آپ نے شادیاں بھی کر لی, آپ کو پتا جی ماتا جی کہنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے, دو پتا جی کی انگلیوں کے ساتھ ہیں اور دو میاں کی انگلیوں کے ساتھ ہیں, آہا یہ سارا کچھ آپ کے مکان بھی آپ نے بڑا سندر بنایا ہے, بڑا اچھا, اور عزت بھی آپ کی ہے, سو یہ سب کچھ ہونے پر, لیکن جس کے لیے کیا تھا وہ کہاں ہے؟ جس کے لیے کیا وہ کہاں ہے؟ آرام چین قرار سکھ سکھ کے لیے وہ کہاں ہے؟ برات گئی, ہاں تو برات میں آئیے کاکے کا پیتا, آئیے لڑکی والے آگوانی کے لیے گئے, کاکے کا تایا, اوہ بہت اچھے, کاکے کی چاچی, آئے کاکے کی تائی, اوہ بڑے آدر مان آگوانی میں دیتے ہیں, بڑی پھوک دیتے ہیں, اور لینے والے پھوک خوب لیتے ہیں, دینے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی, اور لینے والے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ مانو نئے ٹائر ٹیوب ہیں جس میں ذرا بھی ہوا نہیں پڑی ہوئی, جتنی مرضی بھرتے جاؤ اور وہ لیتے جاتے ہیں. ہاں جی یہ ماما کاکے کا ماما, ہمارے جوائی کا ماما, بہت اچھے ماما جی کی چادر, آدر کاکے کی مامی, مامی مامی ہے تو مسامی ہے موسمی ہے, تو بہت اچھا بڑے آدر مان دیا جاتا ہے, کاکے کی بہنیں, کاکے کی بہنیں بہت اچھے, چار چاند لگا رہی ہیں شادی برات کو, بہت اچھے سب کچھ ہو رہا, بڑا آدر مان ستکار بول رہا, تو وہ پوچھتا ہے سسر, ہاں یہ سارے تو میں نے دیکھ لیے, کاکی کے یار دوست بہت اچھے, ایک سے ایک, یوں دلہا تو بنی براتا, شنکر جی کا فرمان ہے ابو سائی جی کا, اس کے اندر شنکر کی برات میں رامائن میں, یوں دلہا تس بنی براتا, جیسے دلہا ہوگا براتی ویسی ہوگی, اگر دلہا گاؤں والا ہوگا اور لال دھوتی پہنے, سارے دھوتی پہنے ہوں گے, تو بڑے سے دوست یار کو دیکھ کر کے نظر آتے ہیں کہ یہ سپیشیمن ہے, اور ہمارا پر بات یہ ہے کہ ہمارا وہ سچ کہا فادر ان لا نے یہ سسر نے, لیکن وہ ہمارا کہا ہے کان, ہمارے جوائی کہا ہے, جوائی ارتھات وہ لاڑا, ہاں وہ کہا ہے دولا ندارت, ہائے اسی کارن سے تو ان کی قدر تھی, اور ایک برات میں مجھے بھگوان نے ایسا دیا, میں تو یہی ایک میں ہوں بس بیڑا گرک, سارے آ گئے تھے سب کے سب, میں سچائی کی بات بتا رہا ہوں, سچائی کی بات کہہ رہا ہوں, اس جنٹل مین کا نام تھا بال کشن شرما, اب تو وہ ہیڈ ماسٹر ہے, تو انہوں نے ہم لوگوں کو بڑا حیران کیا, کار ان کی کا ایک پہیا کا ہوا ہوں اڑ گئی ہونی ہے, سپیئر ویل ان کے پاس تھا کو نہیں, سپنی بادشاہت ہماری آ گئی, کوئی رتی نہیں, جو انہوں نے قدر دی تھی وہ سب ہوائی تھی, سب کی سب حیران پریشان, گاؤں سے نکلو باہر, آہا جندے لگن پیچھے چار کڈن انہوں شہر باہر, وہ لڑا نہیں لڑا, لالا پونے گھنٹے کے بعد آیا, تب کہیں کوئی قدر قدر روٹی پانی کھانا ہے کہ پیانی پانی پینا وغیرہ وغیرہ, تو ماں جی بھی یہی کہتی ہے کیا, سو سنگت جل جائے کتھا نہیں رام کی, سو سنگت جل جائے کتھا نہیں رام کی, بن لاڑے کی برات بھلا کس کام کی, لاڑا نہیں تو پھر برات کیسی, اور اسی میں اگر ہمارے پاس اگر یوگ نہیں یا یوگی ایشور نہیں ہے, سب آزما کے دیکھتے رہو, ہم تو خیر ایکانت میں بیٹھی ہیں, دنیا آزما کے دیکھتی رہے, غم تو جائیں گے نہیں, تکلیفیں جائیں گی نہیں, کش جائیں گے نہیں, بلکہ دن پر دن بڑھتے جائیں گے, اخیر میں ہر نر ناری کو رو رو کے کہنا پڑے گا پرماتما کے سامنے, مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی, جو جو ہم نے بھگوان کے اتیرکت علاج کیے الٹا مرض اور بھی بڑھے اور بھی بڑھے اور بھی بڑھے, اگر یہ بات ہے تو بھگوان کے اس فرمان کو میں آپ میری اچھی ماتائیں اور میری ہونے اور بیٹیاں اپنے انتاکرن کی پٹی کے اوپر موٹے موٹے اکشروں میں لکھے, جہاں غم میں باقی نہ کوئی سوگ ہے, یہی یوگ ہے, ہاں یہی یوگ ہے, یہ یوگ کی تعریف جو ہماری جڑے کاٹ دیتا ہے غم کی تکلیفوں کی چنتاؤں کی, جیووں کو یہی نہیں بتایا جا رہا, سب جیو یوگ نہ کما کے بھوگ کما رہے ہیں, جیو یوگی نہیں بن رہے بھوگی, اور بھوگی سے کیا ہوگا روگی, اور روگی سے کیا ہوگا شوکی, کوئی یہ چکر یوں چلا کرتا ہے سرکار, میں آپ کو بتا دوں اری چھوٹی سرکار, اگر جیو یوگ نہیں کمائے گا تو کیا ہوگا, بھوگ کمائے گا, ایک تو یا یوگی یا بھوگی, ہاں بھوگی, تو جو جتنا زیادہ بھوگی ہوگا اتنا روگی ہوگا, روگ بھی خوب ہوگے, جتنا روگی اتنا شوکی ہوگا,
उतना गम मुतला होगा तो फिर भगवान कहते अरे पुत्र फिर कहे क्या जितना भोगी उतना रोगी जितना रोगी उतना शोकी फिर जितना शोकी उतना योगी फिर योग कमाना पड़ेगा क्योंकि मर जब वो बढ़ता है इश्क का हद से बढ़ना इश्क हद मर्द का हद से बढ़ना दवा होना और इश्क का हद से बढ़ना रवा होना जब रोग बहुत बढ़ जाते हैं गम बढ़ जाते हैं फिर जी भगवान का प्यारा बिना रह नहीं सकता फिर रो रो के कहता है महाराज जी के आगे आके ठोकर खा खा ठाकर लभा ठोकर खा खा ठाकर लभा जी प्रहरान आजकल वातावरण में कैसा है गवर्नमेंट टेल लगाती रहे भाई 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 क्या 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 परिवार नियोजन लाख करते रहो या तो उनके आला विचार हो आला उद्देश्य बना हुआ वो तो है नहीं फिर वो क्या होगा उनके तो रिक्रिएशन है एक बच्चा दूसरा बच्चा तीसरा बच्चा जगनो हाथ नीचे वक्त या तो वो योगी बने या भोगी बनेगी और फिर घर में चाहे खाने को ना हो चाहे पहनने को ना हो चाहे मकान ना हो या कुछ ना हो पर ये तो चलते ही रहेंगे जरा बार उनको कोई समझाने की कोशिश करे अरे रब दे भाने चो फेर डाल दे ये तो रब का चक्कर है चलने दो शाबाश 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 अरे बच्चे हमारे बन रहे हैं तुम्हारे पेटों में क्यों दर्द हो रही है ये जवाब देते तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होती है तुम्हारे अपेंडिसाइटिस को दुख दे रहा है तुम्हें शाबाश वो मस्त है बात भी ठीक है या इधर आर की बात है या तो आदमी योग कमाए वो तो है नहीं सुस्कार ऐसे फिर भोग कमाएगा और भोगों से रोग हो गए रोग शोक पड़ेंगे करते करते कर कई जन्मों के बाद खुद भगवान ने कहा है जन्म पर जन्म लेके जानी जरूर जन्म पर जन्म लेके या तो इस श्लोक को बोलती बार भगवान ना लिखते ना बोलते या तो भगवान का मुंह कांप जाता धरती कांप जाती और मालिक ना कहते पर सिद्धांत देखो क्या बना दिया जन्म पर जन्म लेके बहुनाम जन्मानाम अंत ज्ञानवान मां प्रपद्यते वसुदेवा सर्ववती सामहात्मा सुदुर्लभा जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखर को मेरी हजूर कई जन्मों के बाद मुबारक देता हूं हर उपस्थित मैया और अपनी धार्मिक बेटी को मुबारक देता हूं तय दिल से कि भगवान ने आपको थोड़ों में से चुन करके भेजा है चुने चुने जी मेरे पास आ गए चुने चुने हुए जी आहा कभी सब्ज मंडी में जाना हाँ और जब वो ऊपर से टोकरे खोल रहे हो बोली देने के लिए देखना हाँ तो मुझे अपने गोरे रब दी टोकरी के ऊपर ऊपर वाले जो फल है वो शानदार है 10-12 के 16-17 नीचे ओहो आहा चंगा वार पाई मेरी कान चो कि हाँ नड्डा गोरी लता था जान तो सोने फल पाया मेरे कान चो कि हाँ टोकरी सिर पे उतार के दुकान पे चल, उतार सो तो फिर जान तो भाई ऊपर वाले अच्छे थे नीचे सब ऐसे ही है थर्ड क्लास ऐसे ही भगवान ने भी जो दुनिया अंबाला कैंट अंबाला सिटी के ऊपर ऊपर वाले बढ़िया फल है वो मेरे पास भेज दिए हैं ये क्रीम अपनी सोसाइटी ये क्रीम मेरे पास आ गई ऊपर की मलाई मलाई आ गई सपरेटा वो खाएंगे पिएंगे जो शहर वाले हैं ये बढ़िया बढ़िया जीव ये बढ़िया बढ़िया मैं मुबारक देता हूं क्या आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है भगवान के प्रति लगनता है भगवान के प्रति आराम और चैन है क्या बात तो मुझे और आप भगवान कह रहे हैं पुत्र क्या क्या जहां गम में बाकी ना कोई सोग है यही योग है हाँ यही योग है योगा दुख संयोग वियोगा योगा दुख संयोग जो दुखों का संयोग हो गया वियोगा जो वियोग कर देता है योगा दुख संयोग वियोगा जो दुखों के संयोग का वियोग कर डाले उसका नाम है योग शाबाश 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 दुखों के संयोग का वियोग कर डाले उसका नाम है योग तभी तो मजा है ना बार बार दुख आते ना उस डॉक्टर को हम अच्छा नहीं मानते जिसके पास हम जेर इलाज हो और वो हमारे रोग को दूर ना करे अच्छा नहीं होता वो बेटी अच्छा नहीं मानी जाती जो बेटी अपने घर में बैठ के अपने बाप की इज्जत को अपने हाथ में न रखे अच्छा नहीं माना जाता वो प्राणी भी गंदे माने जाती है बुरे माने जाती है कौन जो भगवान के प्यारे बन के अपने दुख मुसीबतों को दूर करके अपने समाज के दुखों को भी दूर ना करें उनको गंदा माना जाता है बल्दन सोसाइटी माना जाता है वो बकरी के गले में थन माने जाती है मनु महाराज जी कहते हैं वो बकरी के गले में थन दूध तो देगे नहीं वो थन वो तो थन तो उससे दूध आता है जो हवाने में हो ये क्या होगा बकरी वो इससे मरेगी ऐसे व्यक्ति जो योगी या भगवान के प्यारे नहीं होते वो समाज में बोझल होते हैं बोझल कह रहा हूं बोझल
तो भगवान कहते अरे ये रोग हाँ दादा कहते योग कमाने से नाना प्रकार के रोग वरना तो बुरा हाल है बहुत बुरा हाल उस डॉक्टर की कितनी होती है महिमा गाई जाती है जिसके हाथ में भगवान ने विशेष प्रकार की शफा बख्शी हो जिसके हाथ में शफा हो आहा 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 उसके हक में मेरी और आपकी दुआ क्या गजब धाता है क्या कमाल करता है अपने मन को चोट मारो कि ना भाई मर जाना अच्छा जिएंगे तो भगवान के अनमोल कथन के अनुसार जिएंगे वरना तो कुछ भी हाल नहीं आहा वरना कोई हाल नहीं है ठीक कहा है महापुरुषों ने चोट मारी हमें बिल्कुल ठीक कहा है मैं दोहराता हूं महापुरुषों के चुभने वाले बोल आहा क्या वैद मरे ओ रोगी मरे जो सदा रहे दुखिया मर जाए सौरा चंगा है आप भी दुखी और ऊपर वालों को दुख दे रखा है रोगी मरे जो सदा रहे दुखिया तो वैद मरे जिंदा दारू कार नाई ओ डॉक्टर भी मरे या वैद मरे जो मशहूर तो डॉक्टर है लेकिन दवाई उसकी लगनी कोई नहीं रुपया झाड़ी जा रहा है 5 रुपये कर 6 रुपये कर 10 रुपये लेकिन दवाई लगती नहीं है रोगी मरे जो सदा रहे दुखिया ते वैद मरे जिंदा दारू कार नाई पंच मरे जो गरीबा नू दुख देंदा और आइयो मेरी भैंसा चढ़ा जाई आइयो कोठा सजी पाने आकर के को 2 घंटे लगा जाई फिर लोगों ने तंग करे देवे कुछ नहीं बिगाड़ा लवे बहुत ज्यादा पंच मरे गरीबा नू दुख देंदा पंच मरे गरीबा नू दुख देंदा ओ जिंदे घर दी मुकदी कार नाई हाँ आपको भी नहीं छोड़ा बहू मरे जो कुल नू दाग लावे हाय ओ ना मरे जेरी शर्म सार नाही ओ भी मरे संसार तू ब्रह्म रूपा ओ जिंदा रब दे नाल प्यार नाही ओ भी मरे संसार तू ब्रह्म रूपा ओ जिंदा रब दे नाल प्यार ना बाकी तो मरे समान है ही पर चला ओ ही मरे शमशान में जगह ना मिले सड़ने की जिंदा रब दे नाल प्यार ना दुख दुख पाके बाई इंचिस डाइंग बाई इंचिस तिल तिल करके मरेगा बेचारा जो भगवान की तरफ नहीं बढ़ा हुआ पर भगवान के फरमान को अपने एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट नहीं कर रहा डाइंग बाई इंचिस फिजिकली मेंटली एंड इंटेलेक्चुअली सोशली एज वेल एंड डोमेस्टिकली नो डाउट बहुत बुरी तरह चिंतित है बहुत बुरी तरह असमंजस में है और क्लेश में है ये बात तो फिर आइए भगवान के कथन के अनुसार जैसे महाराज जी ने बताया थोड़ा थोड़ा करके योग करवाने की कोशिश करें जैसे चालाक बैंक वालों ने अपनी समाल सेविंग स्कीम के अंदर घर घर के अंदर इतनी इतनी डबियां रख दी इतनी इतनी डबियां सुंदर सुंदर डबियां समाल सेविंग स्कीम रोज चवन्नी डाल दो रोज रुपया डाल दो रोज उसमें कुछ ना कुछ डालते जाओ हो हजारों लाखों रुपया बन जाता है बैंक वालों का आपकी भी सेविंग है उनका भी बैंक जवान हो जाता है दोनों का फायदा है कस्टमर का भी फायदा है और उनका भी फायदा है बैंक वालों का स्मॉल स्कीम मैं भी कहना चाहता हूँ चलाक बन के नहीं बल्कि होशियार बन के चलाक तो मक्कार भी होते हैं होशियार तो रब दे प्यार भी होते हैं तो मैं होशियार बन के कहना चाहता हूँ सरकार क्या ज्यादा ना सही पर थोड़ा थोड़ा करके समय महाराज जी के लिए निकालते चलो समाल सेविंग स्कीम के अंदर थोड़ा समय हम भी निकालें और भगवान के अर्पण कर दें थोड़ा सा जाप थोड़ा सा स्वाध्याय हाँ थोड़ा सा मन को थॉटलेस करना विचारों से खाली करना थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा सा करते रहना आज मैं 10 मिनट लगाऊंगा कल मैं 20 मिनट लगाऊंगा थोड़ा करके थोड़ा स्वाध्याय करना पाठ करना भगवान के मन को थॉटलेस करना अपने ख्यालों से हटा देना थोड़ी देर के लिए एकाग्र हो जाना करते 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 ओ जीव कहां से कहां पहुंच जाता या सिर्फ 1 घंटे का सत्संग रोज हो रहा है कहां से कहां पहुंच गए 1 घंटा रोज कितना स्थान तरक्की कर गया कितने आप तरक्की कर गए कितनी सेवाएं याद की बढ़ गई सिर्फ 1 घंटा रोज सिर्फ 1 ओनली 1 आवर
करते 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 कितना आप लाभ उठा गए, कितने जीव लाभ उठाए जा रहे, सिर्फ एक घंटा। इस तरह हम कहे थोड़ा थोड़ा करके रोज, थोड़ा करके रोज। साधुरे अनवर कह रहे हैं ऐसा फिर क्या होगा, जहां हम में बाकी ना कोई सोग है, यही योग है, हाँ यही योग है, इसी योग में तुम, इसी योग में मन यकीन से जमाओ, इसी योग में तुम अकीदत दिखाओ, हमारी श्रद्धा तो बढ़ जाएगी। अगर हम योग कमा के शांति लेंगे कुछ हमें खुशी मिलेगी ना, हमारी श्रद्धा और भगवान के प्रति और भगवान के फरमान के प्रति बढ़ जाएगी। श्रद्धा बढ़ती भी तब है जब जरा खुशी बढ़े, मन में एकाग्रता आए, मन में उल्लास, हर्षो उल्लास पैदा हो जाए, फिर बड़ी खुशी और बढ़ती है। लटकती वत फर्दर जैसे कहानी में मजा आता है, अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा मुनि, अच्छा यहाँ तक तुम्हें समझ आ गए, फिर इसने क्या किया, ये फिर का मजा बड़ा आता है, बड़ा मजा आता है कहानी सुनने का, क्योंकि उसमें जिज्ञासा बनी रहती है। इसी तरह योग कमाने में बड़ा मजा आता है, इसके बाद क्या होगा, देन व्हाट नेक्स्ट। इस तरह करते करते जीव भगवान में की रात में तलीन हो जाता है। और मैं एक बार फिर आलापू और आपके अंदर दिखाऊं, जहां गम में बाकी न कुछ सोच गए, यही योग है, यही योग है। श्री भगवान बात, जहां गम में बाकी न कुछ सोच गए, यही योग है, यही योग है। जहां जीव अपने में तलीन होता है और धीरे करते करते अपने स्वरूप में, तो उस स्वरूप की अवस्था, उस स्थान, उस पॉइंट में महाराज जी बता रहे हैं, जहां गम में बाकी न कोई सोग है, यही योग है, हाँ यही योग है। जैसे मानो कोई हिमालय की चोटी पर पहुंच गया, कहने लगा यहाँ कोई मोहल्ले नहीं, कोई गलियां नहीं, कोई सड़कें नहीं है, कोई मकान नहीं, कोई दुकानें नहीं, कोई गांठ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सफेद बर्फ ही बर्फ है, तो समझो चोटी पर चढ़ करके बोल रहा है। यहाँ कह रहे कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई बेचारी नहीं, कोई बेकरारी नहीं, यहाँ खुशी है, प्रसन्नता है, आराम है, तो समझो कोई आत्मा में तलीन होके बोल रहा, जहां गम में बाकी न कोई सोग है, यही योग है, हाँ यही योग। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद, जय।